हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष टैग गुरुचे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वासव त्रासी आईसी बोर्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, मुझे इस पर एक कमेंट मिला था। उन्होंने पूछा, क्या सर हम इसकी आवाज़ थोड़ा बढ़ा सकते हैं? तो ये चीज़ उन्होंने कमेंट में पूछा, क्या इसकी मतलब जो पावर है वो कैपेसिटी बढ़ सकती है? तो इस तरीके उनके कमेंट किया था। तो फ्रेंड्स, इसकी पावर हम बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी जब भी आपने भी देखा होगा, जब हम किसी इसमें ये किसी भी सिस्टम में लगा होता है, जब इसकी आवाज़ खोलते हैं, तो आवाज़ जब ज़्यादा खोलते या कोई भी नई सॉन्ग चलते, इसका बेस दबने लगता है, या बेस या आवाज़ इसकी दबने लगती है, क्योंकि आवाज़ को तो फटने से लगती है, वो क्लियर साउंड नहीं आता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम का सोल्यूशन फ्रेंड्स ये है, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर 4700 UF 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। अगर इस जगह ये जो हमारा लगा है, ये लगाया, देखो मैं बता दूँ, 1000 UF 16 वोल्ट का, 1000 UF 16 वोल्ट का ये कैपेसिटर, अगर इसकी जगह ये कैपेसिटर लगा दे तो इसका आवाज़ अच्छा आएगा, इससे कई गुना अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये चेक करके भी दिखाऊंगा किस तरीके से इससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करता है। पहले मैं इसके कनेक्शन करके सब कुछ दिखाता हूँ, ये किस तरीके से और इससे क्या फ़ायदा है, इससे लगाने से क्या फ़ायदा है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैंने इस 6283 आईसी बोर्ड के सारे कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से इस वाले कैपेसिटर से फ़र्क क्या पड़ता है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब इस जगह मैंने सारी वाइंडिंग कर दी। अगर आपको ये 6283 बोर्ड की वाइंडिंग सीखनी है, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने कई बार वीडियो में इसके बारे में बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको पहले चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं ये पावर दे रहा हूँ इसको, यहाँ पर लाइट आ चुकी है। FM mode. तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसकी आवाज़ को बिल्कुल 15 पॉइंट पर रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें ये पैड लाइट लगा के दिखाता हूँ। Play by USB drive. तो यहाँ पर इसकी आवाज़ में 6 पॉइंट रख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी आवाज़ 6 पॉइंट रखी है, ठीक है। 6 पॉइंट से ही हम इसकी आवाज़ को चेक करेंगे। मैंने कोई भी वॉल्यूम नहीं लगाया है। आपको लगे शायद कि मैं वॉल्यूम से बढ़ा दूँ या कुछ भी कर दूँ, तो यहाँ पर मैंने कोई वॉल्यूम नहीं लगाया है। मैं ओनली 6 पॉइंट पर इसकी आवाज़ को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा 6 पॉइंट पर इसकी इतनी आवाज़ आ रही है। अब मैं ये लगाता हूँ। तो आपने फ्रेंड्स देखा इसका क्या बेनिफिट पड़ रहा है, तो आपको असर पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इस जगह आप इसको भी लगा सकते हो और अच्छी क्लियर आवाज़ इससे निकलेगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।